लेट्स लुक एट सर्विस लेवल अभी तक हम जो सर्विस लेवल uh, हमने यूज uh, कर रहे थे दैट वाज इन स्टॉक प्रोबेबिलिटी ड्यूरिंग लीड टाइम कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि लीड टाइम के, के दौरान हमारा पास स्टॉक मौजूद हो टू मीट द डिमांड दैट वाज बेसिकली आर सर्विस लेवल लेकिन दैट सर्विस लेवल जो है वो ज्यादा ठीक रिजल्ट शो ना करता हो दे आर अदर ऑल्सो सर्विस लेवल्स वन इज फिल रेट जिसको हम कहते हैं तो वो अगर हम देखें तो इसके अंदर uh, उसको कैलकुलेट करें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर हमें रिज़ल्ट uh, प्रोवाइड करें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करे दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सर्विस लेवल इसके अंदर सर्विस uh, लेवल एस डी प्राइम एस डी प्राइम इज डीशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग इज लॉस फंक्शन जो हमने वो uh, चार्ट में से देखा था डी ओवर क्यू इज बेसिकली गिव यू नंबर ऑफ ऑर्डर जो कि आप प्लेस कर रहे हैं डिवाइडेड बाई एनुअल डिमांड इसको हम फर्दर सॉल्व uh, कर लें तो डी कैंसिल हो जाएगा और क्यू uh, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इट विल बिकम वन माइनस स्टैंडर्डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय लॉस फंक्शन डिवाइडेड बाय द ऑर्डर क्वांटिटी तो इस बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट uh, कर सकते हैं uh, हमने जो ये एग्जाम्पल एक uh, की थी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट फाइंड करने की उसके बेसिस के ऊपर अगर हम देखें इसके अंदर वो वैल्यूज़ हम सब्सिट्यूट करें इस इक्वेशन के अंदर तो वो उस बे, के बेसिस के ऊपर हमारे पास सर्विस लेवल जो आ रहा है वो पॉइंट नाइन 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 आ रहा है विच इज़ सब्सटेंशियली मोर देन वॉट वॉज इन स्टॉक प्रोबिलिटी जो कि हमने यूज़ की थी विच वॉज़ बेसिकली 99 नाइन परसेंट तो उसके अंदर ये जो है हमारे दिस गिव्स अ मोर एक्यूरेट रिजल्ट रीजन बीइंग कि होता ये है कि आ, एक तो लीड टाइम के दौरान हमारे वो क्या कहते हैं स्टॉकआउट होने के चांस रिओर्डर पॉइंट मेथड में आ, सिर्फ लीड टाइम के दौरान हम आउट हो सकते हैं क्योंकि लीड टाइम से पहले आ, जब तक हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया हम ऑर्डर प्लेस करते हैं जब हम वो उस रीऑर्डर पॉइंट को हम उस तक पहुंच जाते हैं तब ऑर्डर प्लेस करते हैं वो ऑर्डर प्लेस करना और ऑर्डर रिसीव करने के दरम्यान जो टाइम है उधर ही हम स्टॉक आउट हो सकते हैं उससे पहले नहीं हो सकते क्योंकि उससे पहले हम री ऑर्डर पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं होंगे तो ये जो सर्विस लेवल की कैलकुलेशन है इसमें वो उसको भी कंसिडर करते हैं कि जहां ये स्टॉक आउट होने के चांसेज ही नहीं है

लेकिन अगर हम पूरा पीरियड देखें आ, पूरा साइकिल देखें तो उसके अंदर देर इज बिग चंक जहां हमारे बिल्कुल चांस ही नहीं है स्टॉक आउट होने के लिए इसलिए हमारा जो सर्विस लेवल है फिर पॉइंट नाइन 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 उस आ रहा है जो इस कैलकुलेशन को यूज किया देर आर डिफरेंट जैसे मैंने पहले कहा कि स्टॉक अवेलेबिलिटी के डिफरेंट uh, वो हमने रखे हुए मयर प्रॉबिलिटी ऑफ फिलिंग ऑल आइटम डिमांड सारी जो एक ऑर्डर में कई आइटम्स हैं तो उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या हम इसको फिल कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ़ फिलिंग एन ऑर्डर कंप्लीटली एक तो जगह है कि कुछ आपने फिलिंग किया कुछ कर लिए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है दूसरी है कि पूरा ऑर्डर जो जितने भी थे अगर उसमें से एक भी वो क्या कहते हैं कम है प्रोडक्ट uh, वो आप नहीं सप्लाई कर सके बल बाकी आपने बेशक कर दिए हैं तो उसको वो कहेंगे कि ये कंप्लीट ऑर्डर फिल नहीं किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है परसेंट ऑफ ऑल आइटम डिमांड जो है वो फिल कितना हो रहा है तो दीज आर बेसिकली डिफरेंट मेजर जो कि यूज किए जाते हैं फॉर सर्विस लेवल वेटेड एवरेज ऑफ आइटम्स वो कितना फिल आपने किया उसको फिल रेट के अंदर उसको कंसिडर करते हैं तो मल्टीपल आइटम के लिए जब हम यूज़ करते हैं अब एक तो हमने इंडिविजुअल आइटम्स के लिए यूज़ किया अब मल्टीपल आइटम्स के अगर हम करें तो उसके अंदर आ, जो लेट्स से देर आर थ्री डिफरेंट आइटम्स इन एन ऑर्डर और हर आइटम की अपनी प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारे पास स्टॉक के अंदर हो गया अब इसकी एक्चुअली तीनों का ऑर्डर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये तीनों हमारे पास अवेलेबल होंगे तो वो जो प्रोबेबिलिटी है वो इट इज बेसिकली सर्विस लेवल वन मल्टीप्लाई बाय सर्विस लेवल टू सेकेंड प्रोडक्ट की सर्विस लेवल सेकेंड थर्ड प्रोडक्ट की इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल सर्विस लेवल आ जाएगी फॉर uh, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर सपोज दे आर थ्री आइटम्स एक की प्रोबिलिटी इज पॉइंट नाइन फाइव सेकेंड की पॉइंट एट नाइन थर्ड की पॉइंट नाइन टू तो इसकी अब हमने ये देखना है कि इसकी एक्चुअली पूरे की प्रॉबिलिटी क्या है कि हम ये आ, फिल कर लेंगे ऑर्डर तो कितना करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आ रही है पॉइंट सेवन एट तो इंडिविजुअल वो ये नहीं होगा कि अगर इंडिविजुअल तीनों की लेट्स से 95 परसेंट है तो दैट डज नॉट मीन कि पूरे ऑर्डर की भी 95 परसेंट हो क्योंकि इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास एक्चुअल सर्विस लेवल आएगी